Okay, hello students. In this video, we will be studying the further poem, and I think this is the last poem of your class first syllabus, that is Five Little Seeds. Okay, so इस poem में seeds के बारे में, बिया जिसको आप हिंदी में कहते हैं, पांच छोटे छोटे बियों के बारे में ये poem है. Let us see what is given here. Five little seeds, three will make flowers and two will make weeds. तो फिर फाइव लिटिल सीड्स हैं यहाँ पर, और उनमें से तीन जो हैं वो फ्लावर्स बनाएंगे और दो क्या करेंगे, वीड्स बनाएंगे. वीड्स एक तरीके का पौधा होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप वीड्स कहते हैं. तो ये जो होते हैं ये बहुत अच्छे नहीं होते हैं, पर इन ये भी एक तरीके के प्लांट होते हैं. ठीक है, आप देखिए क्या लिखा है. अंडर द लीव्स एंड अंडर द स्नो फाइव लिटिल सीड्स आर वेटिंग टू ग्रो. तो कुछ सीड्स जो हैं वो ज़मीन पर डाले गए हैं और बर्फ़ से ढके हुए हैं वो, और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो उगेंगे, क्योंकि ठंडी का समय था और उस वजह से ये सीड्स उग नहीं पा रहे थे. अब देखिए क्या होता है. आउट कम्स द सन, डाउन कम्स अ शावर. कुछ दिन बाद सन आता है बाहर, और उसके बाद कुछ देर बारिश होती है. एंड अप कम थ्री प्रिटी पिंक फ्लावर्स. और उसके बाद जैसे ही धूप और पानी पड़ता है सीड्स पर, तो पेड़ उगने लगते हैं, पौधे उगने लगते हैं, और उनमें से तीन प्रिटी फ्लावर्स उग जाते हैं. यहाँ पर देख सकते हैं आप. आउट कम्स द सन दैट एवरी प्लांट नीड्स. फिर वही चीज़ कही गई है कि सन आता है और सन की ज़रूरत सब प्लांट्स को होती है. एंड अप कम टू फनी ओल्ड वीड्स. और उसके बाद दो वीड्स भी आ जाते हैं. जैसे फ्लावर्स आते हैं वैसे ही दोनों वीड्स भी बाहर आ जाते हैं. तो वीड्स एक तरीके का प्लांट होता है बेटा, और ये प्लांट बहुत सुंदर तो नहीं होता है, ये अपने आप उग जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम. एंड दिस पोएम यू लर्न कि कितना ज़रूरी है सन और बारिश पौधों को उगने के लिए, और कैसे बीओ से इतने सुंदर सुंदर चीज़ें उग सकती हैं. So this is all about this poem, Five Little Seeds. क्या जर्नी रहा Five Little Seeds का, थ्री ने तो फ्लावर बनाया और टू ने वीड्स बनाया. ठीक है, so this is all about this poem. I hope you liked it, and you have to also learn this poem and write in your copy. And again, if you have any doubt in this poem, you will ask in your doubt clearing classes. Okay, so all the exercises of this poem also you will get the PDF form, and you have to complete it from there, and everything. If you have any doubt also, you can ask me. Thank you for watching the video, students, and prepare well for your exams. Hope you have a nice day ahead.